2022 का लास्ट टाइम चल रहा है, अभी दिसंबर का महीना चल रहा है और इसी टाइम पे जो सेल चलते हैं ना उसी टाइम के अंदर आपको लैपटॉप्स लेना चाहिए। ऐसे में हमें बहुत सारे लोग बिलोंग करते हैं कि इन लोगों को 25,000 रुपया में लैपटॉप चाहिए, 20,000 रुपया में लैपटॉप चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको 25,000 रुपया में मिलने वाली सेल के अंदर ऐसे कुछ बेहतरीन लैपटॉप्स के बारे में बताऊंगा जिनमें आपको 8 GB का रैम देखने को मिलेगा, 256 GB का PCIe Gen 3 SSD देखने को मिलेंगे। एक आपको बहुत ही अच्छा चीज़ मिलेगा हर एक लैपटॉप के अंदर, जो लैपटॉप्स में बताऊंगा ना सारे लैपटॉप्स में आप रैम और अपने SSD को अपग्रेड कर पाओगे। आज की वीडियो में कोई हार्ड ड्राइव वाला लैपटॉप मैंने चूज नहीं किया, सारे के सारे जो लैपटॉप्स है अपग्रेडेबल है और M.2 SSD के साथ चूज किया जो कि अप टू 16 GB तक रैम को एक्सपांड कर सकते हो। चलिए गाइस आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ये कौन से लैपटॉप्स है जो कि आपको 25,000 में देखने को मिलेंगे। बाय द वे मेरा नाम है जय, आप देख रहे हो टेक्नोजियोलॉजी। हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि PC और लैपटॉप रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल के अंदर डालता रहता हूं। चलिए आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो बात मैं कर रहा था, हर एक लैपटॉप को आप अपग्रेड कर पाओगे 25,000 में मिलने वाले लैपटॉप में, हर एक लैपटॉप में आप अपग्रेड कर पाओगे। मैंने आज टॉप 5 लैपटॉप्स चुना और एक चीज बता दूं, ये जो लैपटॉप्स के प्राइस मैं आपको बताता हूं सारे के सारे एक्यूरेट प्राइस है। ऐसा नहीं कि आप जाके देखते हो लिंक में क्लिक करके, मैं एक प्राइस बता रहा हूं प्राइस दूसरा दिखा रहा है आपको लिंक पे, ऐसा नहीं है। सारे के सारे में जेन्युइन प्राइस ही आपको बताता हूं और हर एक लैपटॉप 25,000 के अंदर में ही मिलता है। सो चलिए पहले लैपटॉप के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे मैंने एसआर की तरफ से आने वाला एसआर का एक्सटेंशन 15 नाम से एक लैपटॉप को रखा है। करेंटली इसका प्राइस अमेजोन पे चल रहा है 23,190 रुपया। एक चीज बता दूं, ये जो प्राइस होता है ना ये इंक्रीज डिक्रीज होते रहते हैं। सो अभी के टाइम में अगर आप परचेज करने जाते हो तो आपको ये 23,190 रुपया में देखने को मिलेगा। अगर आपका बजट 25,000 रुपया भी नहीं है, उससे भी कम है, तो इस लैपटॉप को जरूर देखना। इस लैपटॉप में आपको 15.6 इंच का एंटी ग्लेयर नैरो बेजल वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, HD का स्क्रीन रहेगा रिजोल्यूशन, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे एसआर का ब्लू सील टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाएगा। एसआर का जो लो ब्लू लाइट शील्ड टेक्नोलॉजी है ये आपके आंखों को बचाएगा रातों में, और ये जो डिस्प्ले है एंटी ग्लेयर है तो आपको जो ब्लू रेज है आंखों में जाते हुए रुक देगा। सो डिस्प्ले बहुत अच्छा है, बड़ा डिस्प्ले है, 15.6 इंच का मिल रहा है। हालांकि 23,000-24,000 रुपया के अंदर 15.6 इंच का डिस्प्ले मिलना, वो भी इतने अच्छे स्पेक्स के साथ, बहुत ही हार्ड हो जाता है। सो फिर भी मैंने आपके लिए ढूंढा है। बाकी इस लैपटॉप में आपको इंटेल का पेंटियम सीरीज का सिल्वर N5030 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जहां पे आपको जो मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है वो 3.10 GHz तक का देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए यहाँ पे जो परफॉर्मेंस मिलेगा आपको डेली टू डेली लाइफ में बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आप थोड़ा बहुत छोटा मोटा गेम भी चलाना चाहते हो आराम से कर सकते हो। बाकी वीडियो एडिटिंग करने के लिए अगर सोच रहे हो इस लैपटॉप से तो आप बिल्कुल इस पे मत जाना। इस लैपटॉप में आपको इंटेल का HD ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा, 4 GB का रैम DDR4 वाला है, और यहाँ पे आपको जो रैम मिलता है ना इसको आप अपग्रेड भी कर पाओगे। हाँ, मैंने जैसे कि बताया था हर एक जो लैपटॉप्स है ना, हर एक लैपटॉप्स को आप अपग्रेड कर पाओगे। यहाँ पे आपको 8 GB का अपग्रेडेशन दिया गया है। अगर आप फ्यूचर में चाहते हो मेरे को 4 GB का रैम नहीं चाहिए, मेरे को और रैम अपग्रेड करना है, तो अपग्रेड कर पाओगे। इस लैपटॉप में 8 GB का रैम एक्सपेंशन दिया गया है। बाकी 256 GB का एक SSD आपको इसके अंदर मिलता है। यस, SSD इज अपग्रेडेबल। यहाँ पे Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2 देखने को मिल जाएगा, Windows 11 होम ऑफिस 2021 का मिलेगा, 6 to 7 hours तक का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है ये वाला लैपटॉप। नम पैड भी आपको यहाँ पे कीबोर्ड के अंदर देखने को मिल जाएगा। इस लैपटॉप में और एक खासियत है, 180 डिग्री तक फ्लैट आप इसको ओपन कर सकते हो, जो कि इस प्राइस के अंदर भाई बहुत ही कम देखने को मिलता है। और हाँ, जैसे कि बताया इसका प्राइस है 23,190 रुपया। ये जो लैपटॉप मैंने आपके लिए चूज किया इस प्राइस के अंदर सबसे सटीक बैठता है, सो इसको जरूर चेकआउट करना। नाउ नंबर 2 पे मैंने जिस लैपटॉप को रखा है वो कुछ अलग तरीके के लिए, अलग रीजन के लिए रखा है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं एसआर के लैपटॉप पसंद नहीं करते हैं, हो सकता है कोई कोई लोग ऐसे हैं उनको लिनोवो पसंद है, HP पसंद है या फिर दूसरा ब्रांड पसंद है। सो उनके लिए मैंने यहाँ पे लिनोवो का एक लैपटॉप रखा जो कि लिनोवो आइडियापैड स्लिम 1 सीरीज के अंदर आता है। ये वाला लैपटॉप आपको बहुत ही अच्छे स्पेक्स के साथ देखने को मिल जाता है। करेंटली इसका प्राइस जो है 23,240 रुपया के अंदर में देखने को मिलता है। अगर आपका बजट 24,000 रुपया के अंदर में है तो आप इस लैपटॉप को जरूर देखना। जिनको लिनोवो पसंद है अभी ड्यूरिंग सेल चल रहा है ना, सेल के टाइम में और भी कम प्राइस में मिल जाएगा। बट इस लैपटॉप के अंदर जो डिस्प्ले है वो 11.6 इंच का डिस्प्ले है। स्टिल यहाँ पे लिनोवो का जो डिस्प्ले दिया जाता है ना बहुत ज्यादा कलर पंची और आई कैचेबल डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले में आपको एंटी ग्लेयर टेक्नोलॉजी मिलेगा, HD का स्क्रीन है, नैरो बेजल्स है, 2 साइड देख सकते हो, एंड 215 इसका मैक्सिमम ब्राइटनेस भी इस डिस्प्ले में मिलता है।
ये चीज बहुत अच्छा लगा। 215 इसका जो मैक्सिमम ब्राइटनेस होता है थोड़ा ब्राइट होता है एज कम्पेयर एज अदर्स लैपटॉप। सो लिनोवो ने डिस्प्ले के मामले में थोड़ा छोटा तो किया बट डिस्प्ले में कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं डाला। आपको अगर लिनोवो का लैपटॉप चाहिए इस प्राइस के अंदर तो इसको जरूर देखना। यहाँ पे भी आपको सेलिरॉन का N4020 प्रोसेसर मिलता है। ये जो प्रोसेसर है ये ड्यूल कोर प्रोसेसर है। यहाँ पे आपको मिल जाता है इंटेल का USD ग्राफिक्स। मैक्सिमम क्लॉक स्पीड जो है 2.80 गीगाहर्ट्ज़ तक का मिल जाता है। अगर डेली परफॉर्मेंस में बात करो तो मेरे ख्याल से इस बजट के अंदर यही आपको परफॉर्मेंस मिलेगा यही प्रोसेसर के साथ। और डेली टास्क में ऑफिस वर्क करना चाहते हो, स्टूडेंट हो या फिर वीडियो कॉलिंग पे बात करना चाहते हो, आजकल के दिनों में ऑनलाइन क्लास वगैरह बहुत ज्यादा चलता है। 4GB का रैम मिलेगा, अप टू 12GB तक रैम को एक्सपांड कर पाओगे। ये जो चीज दिया गया इस लैपटॉप में मेरे को सबसे ज्यादा बेटर लगा एज कम्पेयर एज जो पिछला वाला लैपटॉप है। इस लैपटॉप में आप 12GB तक एक्सपांड कर पाओगे। सोच सकते हो 12GB तक रैम को लगाओगे तो अपने लैपटॉप में कैसा स्पीड मिलेगा। इनफैक्ट आप बाद में जाके लगाओगे, पहले आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। 256GB का SSD भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। स्टोरेज में भी नो प्रॉब्लम एक्सपांड आप कर पाओगे। विंडोज 11 मिलेगा, होम मिलेगा, ऑफिस मिलेगा 2021 वाला। अप टू 6 to 7 hours तक का बैटरी बैकअप ये वाला लैपटॉप आपको प्रोवाइड करता है। वाईफाई 5 ब्लूटूथ 4.2 का सपोर्ट है। Dolby ऑडियो का सपोर्ट है DTS सराउंड साउंड के साथ। ओवरऑल लिनोवो का एक साल का वारंटी के साथ देखने को मिलता है 23,240 रुपया। अगर आपके पास है, आपका बजट है, लिनोवो का लैपटॉप लेना चाहते हो, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। इन लैपटॉप्स की लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करके रखे हैं, आप जाके वहां से इनको चेक इट आउट कर सकते हो। नंबर 3 पे मैंने एसआर की तरफ से आने वाले फिर से एक लैपटॉप को रखा, क्योंकि इसका जो प्राइस है ये प्राइस के मामले में परफॉर्मेंस या फिर आप बताओ कोई भी चीज़ बहुत अच्छा देता है। ये लैपटॉप एसआर का एस्पायर 3 सीरीज के अंदर आता है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि AMD के लैपटॉप लेना चाहते हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं AMD के लैपटॉप में जाना चाहते हैं जिनको इंटेल नहीं चाहिए। भाई हमें AMD का लैपटॉप चाहिए, है ना, राइजन सीरीज का लैपटॉप चाहिए हमें। सो उनके लिए ये लैपटॉप बेस्ट हो सकता है, मैं आगे जाके बताता हूँ। बाकी इसमें भी आपको 14 इंच का HD स्क्रीन मिलेगा, नैरो बेजिल से देख सकते हो, एंड एंटी ग्लेयर डिस्प्ले दिया गया है। HD का स्क्रीन है। ओवरऑल SR कलर कम्फर्ट, SR ब्लू लाइट सील्ट वगैरह वगैरह मिलता है डिस्प्ले में। सो आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगा डिस्प्ले के अंदर, क्योंकि मेरे घर में भी पर्सनली मैं SR का मॉनिटर और SR का TV वगैरह यूज़ करता हूँ। बाकी परफॉर्मेंस के बारे में जो मैं बात कर रहा था, यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए दिया गया है AMD का 3020E वाला प्रोसेसर। एक ड्यूल कोर प्रोसेसर है जिसमें मैक्सिमम जो क्लॉक स्पीड है 2.6 गीगाहर्ट्ज़ तक का है। एंड इसके अंदर ही लगा गया है AMD का Radeon ग्राफिक्स। इंटेल के ग्राफिक्स से फार बेटर होते हैं अभी के टाइम में भी, अगर देखो आप फार बेटर है इंटेल के USD और HD ग्राफिक्स से। सो इस चीज के मामले में अगर आप थोड़ा बहुत गेमिंग करना चाहते हो, हल्का फुल्का आप 720p या फिर 1080p में वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, तो मेरे ख्याल से ये लैपटॉप सह लेगा आराम से, क्योंकि इसका ग्राफिकल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। एंड डेली टास्क के अंदर क्या ही बताना, आपको बहुत मजा आ जाएगा इसको यूज करके। इसमें आपको 4GB का रैम मिलेगा, एंड अप टू आप यहाँ पे 8GB तक रैम को एक्सपांड कर पाओगे। DDR4 रैम है। सो यहाँ पे स्टोरेज एक्सपांडेशन करने के लिए भी जगह दिया गया है। 256GB का यहाँ पे भी SSD मिलता है। यहाँ पे जो SSD है PCIe Gen 3 सीरीज का SSD है, M.2 SSD। सो ज्यादा फास्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। ऑफकोर्स SSD को भी आप यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हो। बाकी और एक चमक है इस लैपटॉप के अंदर, इसके लिए मैंने इसको 3rd नंबर पे रखा। आपको एक एक्स्ट्रा SATA स्लॉट दिया गया है जहाँ पे आप अप टू 2TB तक का एक हार्ड ड्राइव लगा सकते हो। ये चीज बहुत सही है। हार्ड ड्राइव और SSD अगर दोनों को आप लगा लेते हो ना, आपको एक सीमलेस एक्सपीरियंस स्टोरेज के अंदर इस लैपटॉप में देखने को मिलेगा। बाकी वाईफाई 5 देखने को मिलेगा, ब्लूटूथ 4.2 का सपोर्ट है, विंडोज 11 होम ऑफिस एंड स्टूडेंट देखने को मिल जाएगा। अप टू 6 to 7 hours तक का बैटरी बैकअप ये लैपटॉप प्रोवाइड करता है, और ब्लैक कलर में और भी दूसरे तीन चार कलर इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। आप इसको चेकआउट जरूर कर सकते हो। जिनको AMD के लैपटॉप चाहिए, जिनको हार्ड ड्राइव के साथ SSD कॉम्बाइंड करके लैपटॉप चाहिए, वो भी इस प्राइस के अंदर। मैं इसका प्राइस भी बता देता हूँ आपको, करंटली अमेजोन के अंदर 24,000 रुपया में मिल रहा है। पूरा करंट फ्लैट 24,000 रुपया में मिल रहा है। अगर सेल में जाके आप लेने चलते हो ना, तो अभी के टाइम में सेल चल रहा है, जल्दी से जाके चेकआउट कर लेना। बहुत ही कम प्राइस में इतना अच्छा लैपटॉप मिल रहा है। अब नंबर 2 पे मैंने एक ऑलराउंडर लैपटॉप को रखा है, क्योंकि नंबर 2 जो होते हैं, अब नंबर 2 पे मैंने जिस लैपटॉप को रखा है उसको मैंने एक ऑलराउंडर लैपटॉप के रूप में रखा है। क्योंकि देखो, जब जब नंबर घटता जाता है ना, जो अपग्रेडेशन है लैपटॉप का वो बढ़ता जाता है और एक मस्त लैपटॉप निकल के आते हैं। सो 2 नंबर पे जो लैपटॉप है वो एक ऑलराउंडर लैपटॉप आप बता सकते हो। ASUS की तरफ से ASUS का ebook 14 सीरीज के अंदर आता है लैपटॉप। 24,990 रुपया करेंटली प्राइस चल रहा है अमेजोन के अंदर, और ये एक ऑलराउंडर लैपटॉप है।
ये लैपटॉप ASUS के 14 इंच के HD स्क्रीन के साथ आता है, जहां पे आपको नैरो बेजल्स देखने को मिल जाएगा, पूरा फुल्ली बेजलेस है, देख सकते हो एंटी ग्लेयर है एंड 78% तक का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको देखने को मिल जाएगा। अब स्क्रीन के बारे में क्या ही कहना भाई, इसका जो स्क्रीन है एकदम नेक्स्ट लेवल का है और आप यहाँ पे जो बड़े बड़े फ्यूचर कॉन्टेंट है वगैरह वगैरह देख सकते हो, आप थोड़ा बहुत यहाँ पे गेमिंग भी कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, क्योंकि परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे दिया गया है इंटेल का पेंटियम SN6000 सीरीज का एक प्रोसेसर, जो कि क्वाड कोर प्रोसेसर है, 4 कोर 4 थ्रेड्स देखने को मिल जाएंगे, अप टू 3.3 गीगाहर्ट्ज़ तक का मैक्सिमम क्लॉक स्पीड आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। 4GB का रैम है, अप टू 8GB तक रैम को एक्सपांड कर पाओगे, 256GB का एक NVMe M.2 SSD देखने को मिलेगा, PCIe Gen 3 सीरीज के अंदर, विंडोज 11 होम मिलेगा, स्टूडेंट मिलेगा, ऑफिस मिलेगा 2021 वाला, अप टू 8 आवर्स तक का बैटरी बैकअप ये प्रोवाइड करता है। यहाँ पे बैटरी बैकअप थोड़ा अच्छा मिलेगा क्योंकि इंटेल का जो पेंटियम एन सीरीज के अंदर आते हैं, सिल्वर सीरीज के अंदर, वहाँ पे बैटरी बैकअप अच्छे रहते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज मेरे को लगा, यहाँ पे जो कीबोर्ड है ना, वहाँ पे नमपैड आपको नहीं मिलता, ना ही नमपैड यहाँ पे कीबोर्ड में मिलता है, बट जो ट्रैकर है, आपको माउस ट्रैकर मिलता है ना, वहाँ पे आपको एक नंबर पैडिंग देखने को मिल जाता है। लेटेस्ट एक नंबर ट्रैकिंग वाला पैड आपको इस लैपटॉप में दिया गया है, विच वॉज क्वाइट गुड। वाईफाई 5 मिलेगा, ब्लूटूथ 4.2 मिलेगा और बहुत ही पतला सा डिजाइन है ASUS का लैपटॉप है, ASUS के एक साल के वारंटी के साथ भी मिल जाता है, सो कोई भी दिक्कत नहीं और ओवरऑल आप इसको अपग्रेड कर सकते हो स्टोरेज के मामले में या फिर रैम के मामले में। सो ये लैपटॉप मेरे ख्याल से नंबर 2 में आता है। अब नंबर 1 पे जो लैपटॉप रखा है, नो डाउट वही लैपटॉप जो कि पिछले बार भी मैंने बताया था, क्योंकि अभी के टाइम में भी अगर देखा जाए ना, ये लैपटॉप अपना जगह बना के रखा है। ये इन्फिनिक्स के तरफ से आता है, इन्फिनिक्स का इनबुक X1 नियो सीरीज के अंदर। करेंटली इसका प्राइस आपको फ्लिपकार्ट के अंदर देखने को मिलेगा 22,990 रुपया में, और 22,990 रुपया में भाई इतने अच्छे स्पेक्स ना, बहुत सारे ऐसे ब्रांड देख चुका मैंने लैपटॉप का, बट ये लोग दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं मेरे को मालूम नहीं, बट जो जो चीज़ें मिल रहा है वो जेन्युइन है। इन्फिनिक्स का एक 14 इंच का फुल HD IPS स्क्रीन मिल रहा है, जो कि आपको 300 nits के ब्राइटनेस के साथ देखने को मिल जाएगा। सोच सकते हो 22,000-23,000 रुपया में एक 300 nits का ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले मिल रहा है। ऊपर से ये फर्स्ट नंबर पे मैंने रखा है, ये 25,000 का भी लैपटॉप नहीं, 23,000 का लैपटॉप है, बट इसका प्राइस लेस होने के कारण भी आपको कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं मिलेंगे, आपको बहुत बढ़िया चीज़ मिल रहा है। यहाँ पे जो नीड्स है ब्राइटनेस का वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली 220 या फिर 250 nits का ब्राइटनेस हम लोग ज़्यादातर लैपटॉप्स के डिस्प्लेज में देखते हैं, बट इस लैपटॉप में आपको 300 nits का मैक्सिमम ब्राइटनेस मिलता है, जो कि एक अपर 50,000 रुपीस के आसपास में लैपटॉप में देखने को मिलता है हमें, और ज्यादातर लैपटॉप देते भी नहीं है भाई, 250 nits 220 nits के ऊपर ही चलते हैं, बट इन्फिनिक्स वाले इस बजट के अंदर कैसे दे दिया पता नहीं। ऊपर से सुनो, यहाँ पे 100% का sRGB मिल रहा है, जिनको कलर ग्रेडिंग करना है, ऑफिशियल काम वगैरह करना है ना, डिस्प्ले में एक प्रॉपर कलर चाहिए, उनके लिए लैपटॉप बहुत अच्छा है। बाकी स्क्रीन आप आपके आंखों के सामने देख लो, फुल्ली बेजिलेस है, 72% तक का NTSC देखने को मिल जाएगा। इसके मामले में ज्यादा नहीं बात करूंगा, बाकी आप इसको देख सकते हो, बहुत सारे लोगों ने इसको परचेज भी किया फ्लिपकार्ट से। बाकी यहाँ पे इंटेल का सेलिरॉन N5100 वाला चिपसेट देखने को मिल रहा है, जो कि आपको 4 कोर 4 थ्रेड प्रोवाइड करते हैं एंड इंटेल के USD ग्राफिक्स मिलता है, अप टू 2.8 गीगाहर्ट्ज़ तक का मैक्सिमम क्लॉक स्पीड ये लैपटॉप प्रोवाइड करता है। आपको 4 कोर 4 थ्रेड मतलब क्वाड कोर का प्रोसेसर मिल रहा है और इंटेल का USD ग्राफिक्स, इसके साथ आपको काम करते हुए बड़ा मजा आएगा, क्योंकि ये जो प्रोसेसर है ये मेरे ख्याल से बजट लेवल में बहुत अच्छा है। बट हाँ, वीडियो एडिटिंग के लिए अगर आप लोग ढूंढ रहे हो कोई लैपटॉप इस बजट के अंदर, सो इसमें मत जाना, AMD वाला लैपटॉप, पिछला वाला जो बताया था SR का, उसको आप देख सकते हो। बाकी इस लैपटॉप के अंदर बहुत ज्यादा चमक दिया है कंपनी ने, क्योंकि 8GB का एक 2933 MHz तक का रैम दिया गया है। बाकी अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो ना, अपग्रेड करने के लिए आपको ऑप्शंस नहीं दिए गए, 8GB तक का ही आपको एक रैम मिलता है, जो कि सॉलिड रैम है, आपको लगा हुआ आता है मदरबोर्ड के साथ, आप इसको उखाड़ भी नहीं पाओगे और अपग्रेड भी नहीं कर पाओगे। और मेरे ख्याल से इस बजट के अंदर 8GB का रैम भाई बहुत ज्यादा है, और 8GB एनफ है भाई, लैपटॉप में काम चल जाता है। 4GB होता तो मैं कहता यार ठीक नहीं है, बट 8GB सही है। आपको 256GB का एक PCIe Gen 3 M.2 SSD देखने को मिल रहा है, विच वॉज अपग्रेडेबल एंड साथ ही साथ DTS सराउंड साउंड का सपोर्ट आपको इस लैपटॉप में मिल रहा है, ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट है, वाईफाई 6 का सपोर्ट है, बैकलिट कीबोर्ड आपको इस लैपटॉप में मिलता है, विंडोज 11 होम मिलता है, स्टूडेंट ऑफिस 2021 वाला मिलता है,
और एक बहुत ही मजेदार चीज मुझे ये लगा कि इस लैपटॉप में आपको 45 वाट तक का टाइप सी फास्ट चार्जर एडाप्टर बॉक्स में मिलता है और ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। टाइप सी टू टाइप सी केबल आपको बॉक्स के अंदर ही मिलेगा और ये लैपटॉप अप टू 11 आवर्स तक का बैटरी बैकअप आपको प्रोवाइड कर देता है। साथ ही साथ एक बड़ा सा ट्रैक पैड आपको कीबोर्ड के नीचे में मिलता है और जो कीबोर्ड है बैकलेट है भाई, ठीक है, इस प्राइस में बैकलेट कीबोर्ड कोई नहीं देता। ये लैपटॉप आता है 1.24 kg का एंड 14.8 mm थिकनेस का ये लैपटॉप है और बहुत सारे कलर्स है इसके अंदर भाई। आज के दिनों में कलर भी मैटर करते हैं क्योंकि फोन का जो बैक साइड होता है ना, ज्यादातर न्यूली लॉन्च जो फोन होते हैं वो कंपनियां चमक देते रहते हैं उसके पीछे। सो इन्होंने भी कुछ ऐसा किया, बहुत अच्छा लगा कि इस प्राइस के अंदर इतने सारे अच्छी अच्छी चीजें हुई। IPS डिस्प्ले एंड साथ ही साथ 45 वाट का टाइप सी चार्जर, ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इसका प्राइस करेंटली Amazon के इसका जो प्राइस है करेंटली फ्लिपकार्ट में चल रहा है 22,990 रुपया। आप 23,000 के अंदर में भाई एक मोस्ट पावरफुल लैपटॉप ले सकते हो विद IPS डिस्प्ले, 45 वाट फास्ट चार्जिंग, वाईफाई 6 वगैरह वगैरह, बैकलेट कीबोर्ड भी दिया गया है। बाकी ये जो सारे लैपटॉप्स हैं ना, सारे के सारे अपग्रेडेबल है और आप इनमें रैम्स को अपग्रेड कर सकते हो। इन सारे लैपटॉप्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर इन लैपटॉप्स को लेके आपको कोई क्वेश्चन है आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो इतना दूर तक देख रहे हो एक लाइक कर देना वीडियो पे। और चलो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। मैं मिलता हूँ कि सर एक लेटेस्ट वीडियो में आपके साथ बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।